रोमी कुमारी ने आज सुबह ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर स्वस्थ होने की जानकारी दी, लेकिन शाम होते होते उसकी मौत ने उसके मायके वालों को हिलाकर रख दिया। मृत महिला मढ़ौरा थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव निवासी प्रियांशु कुमारी की 25 वर्षीय पत्नी थी। मेरा नाम शेषम कुशवाहा हुआ, घर महमदपुर थाना पानापुर जिला सारण का निवासी हूँ। मैं अपने भतीजी के साथ ही कर्णपुरा में प्रियांशु कुमार पिता सुनील कुमार से किया गया था। सुबह में फोन के द्वारा खबर आया कि आपकी भतीजी डेथ कर गई है। कपड़े मोटरसाइकिल उठाया और गया द्वार पर तो मेरी भतीजी को सुला दिया गया था पलंग पर। ठीक है, वो लोग बोल रहे थे कि फांसी लगा ली है जब है ना, लेकिन फांदा पर नहीं थी और उसपे गला पर ब्लू कलर का निशानी था जी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका नाम क्या है? रोमी कुमारी। उम्र 25 वर्ष। क्या आरोप है? आरोप है कि बेटा वाले के द्वारा आरोप है, हम लोग के द्वारा आरोप है कि लोग फांसी लगा करके मार दिया है या रोड वोड से दबा करके मार दिया गया है। वो अपने से सुसाइड नहीं किया है। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 28 नवंबर 2022 में हुआ था। कोई बच्चा भी था? जी एक। सुबह में बात हुआ था? सुबह में मेरे बड़े भैया बात भी किए थे, वो कह रहे थे कि ना हम ठीक ठाक हैं, और फिर अचानक फोन जा रहा है 9 बजे करीब में कि आपकी बच्ची जो है वो मर चुकी है। ओम प्रकाश, रोमी कुमारी का मैं बाबा जी बोल रहा हूँ। हम लोग को सुबह 9 बजे सूचना मिली कि रोमी का डेथ हो गया है, और उसके पहले 7 बजे उससे बात किया गया था, उसके पापा ने बात किए थे। हम लोग जाकर चेक किए तो वह उसके गले के गर्दन पे काला सा निशान था, ऐसे लग रहा था जैसे रड से दबाकर मारा गया है लड़की को। और वो लोग उनके माँ बाप कुछ और ही बोल रहे हैं, उल्टा पलटा कुछ जवाब दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और देखने पर पता चला कि रड से दबाया गया है, और हम लोग का भी आरोप है कि वो लोग दबा कर मारा गया है।